हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट हूं दोस्त फिर हाजिर हूं टेक वीडियो के साथ। आज ऐसे फोन की अनबॉक्सिंग करने वाला हूं जो कि रेडमी का 11 प्राइम 5G फोन हमारे पास अवेलेबल। आज करने वाले इसी फोन की अनबॉक्सिंग, देंगे अपना फर्स्ट इंप्रेशन, बताएंगे इस बजट सेगमेंट में फोन को परचेस करना सही रहेगा या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हमारे पास है Redmi का 11 Prime 5G जो कि कुछ इस तरीके का। अगर बॉक्स कंटेंट की बात करें तो आपको अपर साइड में MI की ब्रांडिंग दिख जाएगी, इंडियास नंबर वन स्मार्टफोन ब्रांड देखने को मिल जाएगा। और साइड बात करें तो कुछ इन लोग का पर्सनल स्टिकर गाइड मैनुअल्स दिया हुआ है। और साथ में बैक साइड की अगर की फीचर्स की बात करें तो आपको Redmi 11 Prime जो कि 5G का वेरियंट हमारे पास अवेलेबल है, आपको MediaTek Dimensity 700 विथ 5G का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ 90 हर्ट्स का फुल HD प्लस एडेप्टिव सिंस डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। 50 मेगापिक्सल AI डुअल कैमरा, 5000 mAh बैटरी। और कलर की बात करें और वेरिएंट की बात करें तो आपको थंडर ब्लैक एंड 6 128 GB स्टोरेज हमारे पास अवेलेबल है। तो आज करने वाले इसी फोन की अनबॉक्सिंग, तो वीडियो बने रही है। जब तक हम इस बॉक्स पर रहे अनबॉक्स, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको इजीली मिलती रहे। हमने ले लिया ब्लड, इसकी मदद से हम इस रैपर को कर रहे हैं कट। तो फाइनली दोस्तों हम इस बॉक्स करते हैं साइड में। तो इंटीरियर पार्ट में आपको एक रैपर ऊपर देखने मिल जाएगा जिसमें आई होप एज यूजुअल सभी तरह का, इसमें सभी फोन की तरह जो अनबॉक्सिंग करता हूं इसमें भी आपको TPU केस देखने को मिलेगा। आपको एक TPU केस देखने मिल जाता है। फिलहाल इसको भी कर लेते हैं साइड में। और आपको इनर पार्ट में देखने मिल जाएगा Redmi लिखा हुआ एक रैपर मिल जाता है जिसमें आई होप फोन हो गए। तो फिलहाल ये रहा हमारा Redmi का 11 Prime, इसको करते हैं अनकवर। तो ये आपको फर्स्ट लुक इस फोन का देखने मिल जाएगा। अगर बैक पैनल की बात करें तो आपको प्लास्टिक फिनिश के साथ बैक पैनल देखने मिल जाता है Redmi, और 5G का लोगो के साथ ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है। और डुअल कैमरा देखने मिल जाता है आपको, 50 मेगापिक्सल AI कैमरा और विथ LED फ्लैश देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों फिलहाल इस फोन को करते हैं साइड में और बात कर लेते हैं इसके इंटीरियर पार्ट में और क्या देखने को मिल जाता है। इंटीरियर पार्ट में एक चार्जर का सेक्शन देखने को मिल जाता है जो कि 22.5 वाट का एक चार्जर देखने मिल जाता है। तो फिलहाल इसको कर लेते हैं अंदर। और आपको इंटीरियर पार्ट में एक केबल देखने मिल जाता है जो कि A2C टाइप का केबल का सपोर्ट के साथ आता है दोस्तों। तो इसको भी कर लेते हैं इनर पार्ट में। तो फिलहाल इस बॉक्स को करते हैं साइड में और बात कर लेते हैं डिटेल इस फोन के बारे में। तो दोस्तों अगर इस फोन के बॉडी डिजाइन की बात करें तो कुछ इस तरीके का आपको बॉडी डिजाइन इस फोन का देखने मिल जाता है, आपको बॉक्सी डिजाइन देखने मिल जाता है। अगर इस फोन के पोर्ट्स एंड बटन की बात करें तो आपको पावर रॉकर बटन देखने मिल जाता है, वॉल्यूम की अप डाउन का बटन स्वैप देखने मिल जाएगा, और अपर पार्ट में IR ब्लास्टर का सपोर्ट मिल जाता है जिसके मदद से आप TV को रिमोट कंट्रोल की तरह यूज कर पाएंगे। और साथ ही साथ 3.5 mm का जैक मिल जाता है जो कि अच्छी बात है दोस्तों। साइड की बात करें तो आपको सिम ट्रे का सपोर्ट मिल जाता है जिसमें हम निकाल के दिखाते हैं इसमें डेडिकेटेड स्लॉट है या नहीं। तो फिलहाल हमारे पास आ गया एक सिम इजेक्टर, इसके मदद से हम इस ट्रे को रिमूव करते हैं। तो दोस्तों अच्छी बात है, इसमें आपको डुअल नैनो कार्ड सिम प्लस माइक्रो कार्ड SD का सपोर्ट दे पाएंगे दोस्तों। आपको प्राइमरी मैक का सेक्शन मिल जाता है, साथ ही साथ सी टाइप का पोर्ट्स हब देखने मिल जाता है जो कि 2.0 के सपोर्ट के साथ आता है, और साथ ही साथ स्पीकर ग्रिल का फीचर मिल जाता है। दोस्तों फिलहाल इस बॉक्स साइड में कर लेता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल फोन का देखने को मिल जाता है। दोस्तों अगर इस फोन के रैम एंड स्टोरेज की बात करूँ तो आपको 2 वेरियंट फोन देखने मिल जाता है। फर्स्ट वेरियंट जो निकल के आता है 4GB रैम एंड 64GB स्टोरेज साथ आता है। सेकंड वेरियंट की बात करें तो आपको 6GB रैम एंड 128GB स्टोरेज के साथ देखने को मिल जाता है। दोस्तों अगर बात कर लेते हैं इस फोन के कलर कॉम्बिनेशन की तो आपको 3 वेरियंट में कलर देखने को मिल जाता है। फर्स्ट कलर जो निकल के आता है आपको थंडर ब्लैक कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है, और सेकंड बात करें तो आपको क्रोम सिल्वर एंड थर्ड मेडियो ग्रीन कलर में देखने को मिल जाता है।
दोस्तों अगर इस फोन के साइज एंड वेट की बात करें तो आपको जो लेंथ निकल के आती है 163.99 देखने मिल जाता है। अगर विड्थ की बात करें तो आपको 76.09 एमएम का देखने मिल जाता है। अगर डेप्थ की बात करें तो आपको 8.5 एमएम का देखने मिल जाता है। वेट आपको इस फोन का आपको 200 ग्राम के पास का फोन देखने को मिल जाता है दोस्तों। दोस्तों अगर इस फोन के डिस्प्ले की बात कर लेते हैं, आपको IPS LCD फुल HD प्लस का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले की जो साइज आती है आपको 6.5 इंच का डिस्प्ले साइज देखने को मिल जाता है। रिजोल्यूशन सपोर्ट आपको 1080x2408 पिक्सल का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ टच सैम्पलिंग जो कि आपको 90 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिल जाता है दोस्तों। दोस्तों अगर इस फोन के कैमरे की बात कर लेते हैं, आपको रियर कैमरा जो निकल के आता है डुअल लेंस कैमरा सेटअप के साथ देखने को मिल जाता है। प्राइमरी कैमरा आपको 50 मेगापिक्सल जो कि 1.8 अपर्चर के साथ वाइड कैमरा देखने को मिल जाता है। सेकेंडरी कैमरे की बात कर लेते हैं, आपको 2 मेगापिक्सल 2.4 अपर्चर शार्प डेप्थ के साथ देखने को मिल जाता है। अगर इस प्राइमरी कैमरे की वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो आपको इसमें ढेर सारे मोड्स देखने मिल जाएंगे। आपको LCD फ्लैश के साथ देखने मिल जाता है, साथ ही साथ HDR मोड देखने मिल जाता है, पैनोरमिक मोड और पोर्ट्रेट मोड, ऐसे ढेर सारे मोड्स देखने मिल जाते हैं। जिसमें आपको वीडियो की रिकॉर्डिंग की बात कर लें तो आपको 1080 पिक्सल जो कि 30 फ्रेम पर सेकंड में देखने को मिल जाता है। दोस्तों अगर इस फोन के फ्रंट कैमरे की बात कर लेते हैं तो आपको 8 मेगापिक्सल जो कि 2.2 अपर्चर के साथ देखने मिल जाता है। फ्रंट कैमरे की फोटोग्राफी फंक्शन की बात कर लेता है तो आपको ढेर सारे मोड्स देखने मिल जाते हैं, जैसे आपको HDR मोड, आपको पोर्ट्रेट मोड एंड बुके मोड्स, ऐसे ढेर सारे मोड्स देखने मिल जाते हैं। और रिकॉर्डिंग सपोर्ट की बात करें तो 1080 जो कि 30 फ्रेम पर सेकंड में रिकॉर्डिंग सपोर्ट इस फोन में देखने में मिल जाता है दोस्तों। दोस्तों अगर इस फोन के प्रोसेसर की बात कर लेते हैं, आपको MediaTek Dimensity 700 जो कि 7 nm प्रोसेसर मिल जाता है जो कि 5G के साथ देखने मिल जाता है। और GPU की बात कर लेते हैं, आपको GPU ऑक्टा कोर जो कि 2.2 GHz Cortex A76 जो कि 2.0 GHz अप टू बैंड सपोर्ट देखने मिल जाता है। दोस्तों बात करें आप GPU की तो आपको माली G57 जो MC2 का सपोर्ट देखने मिल जाता है। दोस्तों अगर इस फोन के चार्जिंग एंड बैटरी की बात कर लेते हैं तो आपको चार्जर इन द बॉक्स आपको 18 वाट फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है जो कि 22.5 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है। और बात कर लेते हैं बैटरी की तो आपको इन दिस फोन पॉलीमर 5000 mAh बैटरी मिल जाती है जो कि लॉन्ग लास्टिंग चलने वाली है। दोस्तों अगर इस फोन के सेलुलर एंड वायरलेस कनेक्टिविटी की बात कर ले तो आपको डुअल नैनो कार्ड सिम देखने को मिल जाएगा और साथ ही साथ माइक्रो कार्ड SD कार्ड का स्लॉट देखने को मिल जाता है। और अगर बात कर ले वाईफाई बैंड सपोर्ट की तो आपको वाईफाई बैंड सपोर्ट 2.4 GHz अप टू बैंड सपोर्ट देखने मिल जाता है। साथ ही साथ ब्लूटूथ सेक्शन की बात कर लेते हैं तो आपको 5.1 का लेटेस्ट ब्लूटूथ सपोर्ट देखने मिल जाता है दोस्तों। और बात कर लेते हैं इस फोन के सेंसर एंड सपोर्ट की तो आपको फिंगरप्रिंट का जो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने मिल जाता है, एक्सेलेरोमीटर का सपोर्ट देखने मिल जाता है, प्रॉक्सिमिटी एंड कंपास, ऐसे ढेर सारे इस फोन में सेंसर देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों अगर बात करें आपको इस फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की तो आपको एंड्रॉयड 12 MIUI 13 आउट ऑफ बॉक्स देखने को मिल जाता है दोस्तों। दोस्तों इस फोन के रियर एंड फ्रंट कैमरे की टेस्टिंग के लिए कुछ फोटो सैंपल आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप अपने हिसाब से जज कर पाइएगा इसकी क्या इमेज क्वालिटी निकल के आती है, इस प्राइस सेगमेंट में इसका कैमरा का सेटअप जो है सही है या नहीं। तो हमने कुछ सैंपल आपको स्क्रीन पर प्रोवाइड कर रहे हैं दोस्तों। इस फोन की जो कैमरे क्वालिटी आती है आपको बेस्ट निकल के आती है, अपनी राय क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ हम इस स्पीकर के साउंड क्वालिटी चेक कर लेते हैं तो एक सॉन्ग प्ले कर रहे हैं, उससे आप अनुभव लगा लीजिएगा कि इसकी क्या साउंड क्वालिटी निकल के आती है दोस्तों। दोस्तों इस फोन के साउंड क्वालिटी टेस्ट के लिए हम एक म्यूजिक प्ले कर रहे हैं जो कि आपको इस फोन की साउंड क्वालिटी कैसे निकल के आती है देखने को मिल जाएगा। तो चलिए सुन लेते हैं म्यूजिक। दोस्तों आशा करता हूँ इसकी जो सॉन्ग क्वालिटी निकल के आती है बेस्ट है इस प्राइस सेगमेंट में, और आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर बात कर ले इस फोन के प्राइस सेगमेंट की तो आपको फर्स्ट वेरिएंट 4GB रैम एंड 64GB स्टोरेज साथ आता है जिसकी कीमत निकल के आती है 12,999 मात। और अगर बात कर ले सेकंड वेरिएंट की तो आपको 6GB रैम एंड 120GB स्टोरेज साथ आता है जिसकी कीमत निकल के आती है 14,999 मात।
तो दोस्तों बताइए इस प्राइस सेगमेंट में फोन को परचेस करना सही रहेगा या नहीं, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करिए दोस्तों। दोस्तों आशा करता हूँ हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए जिससे हमारी अपलोडेड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिलती रहे। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।